वेलकम फ्रेंड्स, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन तक। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। द ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? एवरेज स्पीड। ओके, और हम लोग को क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, 56 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। सिंस यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताए? 2 इंटू एस वन इंटू एस टू होल डिवाइडेड बाय एस वन प्लस एस टू। ये एस वन स्पीड है, एस टू भी स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 84 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 56। टेंशन में मतलब डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझ के जाओ, अगर वैल्यूज कुछ बदल गया, ठीक है, तो एटलीस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 84 प्लस 56 हो गया 140, 2 इंटू 84 इंटू 56 इधर आ गया 168 इंटू 56। तो ये हो गया तुम्हारा 9408। अभी कैलकुलेशन में मत जाओ, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम में आंसर आएगा, इतना गारंटीड है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर लेना 76.2, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड। फॉर्मूले याद कर लो, मज़ा आएगा। ये और ये, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड का अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर पाओगे। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। एल निकालने दिया है और रेशियो की किसका दिया हुआ है? पेरीमीटर एंड ब्रेथ। तो हम लोग को पता है 2 इंटू एल प्लस बी एंड ब्रेथ एंड बी इक्वल्स टू 5:1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं, 2L प्लस 2B इक्वल्स टू 5B। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 2L इक्वल्स टू 2B को इधर लेके जाओ, 5B माइनस 2B हो गया 3B, ठीक है। अभी और क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 216। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है 216। निकालना क्या है? लेंथ। तो ब्रेथ का जो है ना, तो B क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2L/3। तो L इंटू 2L/3 इक्वल्स टू 216। बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो गया? L square इक्वल्स टू 3 चला जाएगा वहाँ पे, 3 इंटू 216 होल डिवाइडेड बाय 2। 2 गया 108 टाइम्स, तो 3 8 24 324। एल स्क्वायर आ गया हम लोग का 324, ठीक है। तो L कितना होगा? तो L हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 324। अभी 324 जो है ना, वो किसका ये स्क्वायर है, ठीक है, 18 का स्क्वायर है। तो L हो जाएगा 18। बढ़िया, बस कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फ्रॉम 4 मिनट्स आफ्टर एवरी 80 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अ डेस्टिनेशन 960 किलोमीटर अवे। अभी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेन जाने वाला है, ठीक है। स्पीड कितने में? 120 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में? तो डिस्टेंस 960 बाई 120
है, फिर 4 मिनट रुक रहा है, फिर 4 मिनट रुक रहा है, फिर चार मिनट रुक रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने बार रहा है? 12 बार, ठीक है। तो ये 12 बार रुक रहा है, ठीक है, 12 टाइम्स, तो 44 मिनट्स वो स्टॉप हुआ, ठीक है।